अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारा आज थर्ड लेक्चर है, चैप्टर फ्रेंडशिप, क्लास फाइव, सब्जेक्ट है इंग्लिश। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूँगी मैं ट्रांसलेशन के साथ। शुरू करते हैं ट्रांसलेशन रीडिंग के साथ, अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही इंस्ट्रक्टेड हिम पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ ट्री। इसने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। आसिफ कंपेल्ड क्विकली। आसिफ कंप्लीट क्विकली। आसिफ ने जल्दी से अमल किया। लकीली जुनैद हैड मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ अ थिन ट्री ब्रांच हैंगिंग ओवर द रिवर। खुशकिस्मती से जुनैद दरिया पर पतली दरख्त की शाख को पकड़ने में कामयाब हो गया था। वकार स्विम विथ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स टूवर्ड्स हिम, प्रेइंग ऑल द वाइल दैट द ब्रांच वुड होल्ड हिज फ्रेंड्स वेट। वकार इसकी तरफ लंबे लंबे जरबों के साथ तैर गया, हर वक्त दुआगो के शाह उसके दोस्त का वजन संभाल दे। द वाटर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ ठंडा था। वकार कुड फील क्रम्स इन हिज लेग मसल्स। वकार अपने टांगों के पट्ठों में दर्द महसूस कर सकता था। वकार रिच्ड जुनेद जस्ट इन टाइम। वकार जुनेद तक पहुंच गया कुछ ही लम्हों में। एज सून एज ही सीज्ड हिज फ्रेंड्स हैंड द ब्रांच क्रैक्ड एंड फेल इनटू द वाटर। जैसे ही वो अपने दोस्त के पास पहुंचा, हाथ दिया, इतने में शाह गिर कर शाह टूट कर पानी में गिर गई। जुनेद वॉज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड एंड फियर। जुनेद सर्दी और खौफ से कांप रहा था। वकार हेल्ड हिम टाइटली एंड कंफर्टेड हिम व्हाइल आसिफ पुल्ड देम आउट ऑफ द वाटर टुवर्ड्स द रिवर बैंक। वकार ने इसे मजबूती से थाम लिया और इसे तसल्ली दी, जबकि आसिफ ने इन्हें खींच लिया दरिया के किनारे की तरफ। टू मैन, दो आदमी, हु वर वॉचिंग रन टू असिस्ट आसिफ इन हॉलिंग देम आउट। दो लोग जो ये सब देख रहे थे भागे आसिफ को रोकने और उनको मदद के लिए भागे। आसिफ हॉलिंग देम आउट। जुनेद वॉज इन डेज एंड शिवरिंग अनकम्फर्टेबली। जुनेद मद्धम था और बेकाबू होकर कांप रहा था। क्विकली, बहुत जल्द, द टू मैन लेट हिम डाउन ऑन हिज बैक। दोनों अफराद ने इसे अपनी पीठ पर डाला। वन ऑफ देम प्लेस्ड हिज शॉल ओवर जुनेद टू वार्म हिम। उनमें से एक ने अपनी शॉल जुनेद को गर्माने के लिए दी। वकार प्रेस्ड हिज एब्डोमेन टू पंप आउट द वाटर ही हैड स्वेलोड। वकार ने जबकि जुनेद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ तो एक
वकार ने अपने पीठ पर जोर दिया कि वो निगला हुआ पानी निकाल दे। As Junaid recovered slowly, one of the men turned towards Asif and Waqar. जब जुनेद सेहतियाब हो गया आहिस्ता आहिस्ता, तो एक आदमी उनमें से आसिफ और जुनेद वकार की तरफ मुतवज्जा हुआ। Why were you fishing here? आप लोग यहाँ माहीगीरी क्यों कर रहे थे? Didn't anyone tell you it wasn't safe? किसी ने नहीं बताया आप लोगों को कि ये जगह महफूज नहीं है? ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा। आसिफ लुक्ड एट वकार रिग्रेटफुली, आसिफ वकार की तरफ शर्मिंदगी से देखने लगा। अब इस पैराग्राफ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड, मुश्किल लफ्ज़ है, ब्रांच। ब्रांच मतलब शाख। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। स्ट्रॉ, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्रम, क्रम मीन्स अकड़ पड़ना। सीस, सीस मीन्स थामना। ट्रिम्बल, कांपना। रिवर बैंक, दरिया का किनारा, किनारा। बेस, परेशान। एब्डोमेन, पेट। रिग्रेटफुली, शर्मिंदगी से। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। यह हमारा आखिरी पैराग्राफ है। वी आर सॉरी, हम शर्मिंदा हैं या हम माजरत ख्वाह हैं। हम शर्मिंदा हैं, हम माजरत ख्वाह हैं। वकार सेड सेविंग हिज फ्रेंड्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, वकार ने कहा और अपने दोस्तों को शर्मिंदगी से बचाने के लिए। जुनेद वॉज रिवील्ड एंड थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान व ताला दैट ही वॉज सेफ। वकार ने अपने जुनेद को राहत मिली और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो सलामत है। ही वुड ऑलवेज रिमेंबर हाउ हिज फ्रेंड वकार हैड रिस्क्ड हिज ओन लाइफ टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम द रोरिंग रिवर। इसे हमेशा याद रहेगा कि इसके दोस्त वकार ने इसे गरज दरिया से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ आते हैं। सॉरी, अफसोस, एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी, रिलीफ, बच जाना, थैंकफुल, शुक्र गुजार होना, रिस्क, खतरा, रेस्क्यू, बचाना, रोरिंग, धाड़ें मारता हुआ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये लेसन, फ्रेंडशिप ख़त्म होता है। तब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।